नमस्कार, मेरा नाम कल्पना सालवी है। मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय उदयपुर में प्रवक्ता टेक्सटाइल डिजाइन के पद पर हूँ। आज मैं आपको कलमकारी पेंटिंग्स के बारे में जानकारी दूंगी। कलमकारी के इंट्रोडक्शन की बात करें तो कलमकारी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हैंड पेंटेड पेंटिंग का फॉर्म है जो आंध्र प्रदेश में प्रिंटेड टेक्सटाइल के रूप में काम में लिया जाता है। कलमकारी वर्ड जो है वो ओरिजिनेट हुआ है कलम जिसका मतलब होता है पेन और कारी जिसका मतलब होता है वर्क, तो इसका पूरा नाम हो गया कलमकारी। कलम से किया हुआ कार्य कलमकारी कहलाता है। कलमकारी पेंटिंग्स को बनाने के लिए वेजिटेबल कलर्स का यूज किया जाता है और इसमें माइथोलॉजिकल सीन्स को डिपिक्ट किया जाता है। इसके जो मोटिव्स होते हैं वो फ्लोरल होते हैं, जैसे ट्री ऑफ लाइफ, बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। आर्टिस्ट जो है वो टेंपल आर्किटेक्चर से पेंटिंग बनाने के लिए इंस्पिरेशंस लेते हैं और कुछ अपनी सराउंडिंग से भी इंस्पिरेशन लेते हैं। नेचुरल ब्यूटी जो है माउंटेन्स की, उनसे भी इंस्पिरेशन ली जाती है और नेचुरल रिसोर्सेस जो है आंध्र प्रदेश के, उनसे भी इंस्पिरेशन ली जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस स्लाइड में कलमकारी का वर्क दिखाया गया है, कैसे आउटलाइनिंग होती है। जैसे ट्री ऑफ लाइफ का एक सैंपल आप देख सकते हैं, कलहस्ती स्टाइल का आप एक सैंपल देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश जो है वो कुचिपुड़ी डांस के लिए फेमस है और वो कुचिपुड़ी डांस का सेंटर माना जाता है। कुचिपुड़ी जो है वो मेलोडियस सॉन्ग्स के द्वारा डांस किया जाता है और यहाँ पर एक बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्राफ्ट किए जाते हैं। कलमकारी जो है जिसको व्रत पानी भी क्या कहा जाता है, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट आर्ट है। ये 3000 साल पुराना है और यहाँ पे मसूलीपट्टनम का बर्थ हुआ। 200 माइल दूर पर हैदराबाद में मसूलीपट्टनम जगह जो है, जो एक गांव है छोटा सा, वहां पे इसका जन्म हुआ। ये जो फॉर्म है ये आर्ट स्प्रेड हुआ उसके बाद में श्री कलहस्ती टेम्पल टाउन में ये सेटल हो गया, जो चेन्नई तिरुपति से 80 मील की दूरी पर स्थित है। आप देख सकते हैं स्लाइड में कि ये पूरा मैप दर्शाया गया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, जो अर्लीस्ट फैब्रिक सैंपल्स मिले क्राफ्ट के, वो मोहनजोदड़ो के एक्सकेवेशन से मिले, जो 3000 बीसी पूर्व मदर डाई क्लोथ पे इनको पाया गया और इसमें इंडियन मोटिव्स मिले। ये बाद में इजिप्शियन टॉम पे डिस्कवर किए गए और इनको फुस्टर कायरू में इनको पाया गया। ये एक तरह के टेस्टिमोनी नहीं है, ये एक एंटीक्विटी क्राफ्ट है जो जिसने प्रूफ किया है कि ये एंशंट टाइम से है और ये फ्लोरिश किया गया है। आप देख सकते हैं कि ब्लॉक प्रिंटिंग फुस्टेड में 15 सेंचुरी पे कैसे की गई और ब्लॉक प्रिंट अल फुस्टेड में 16 सेंचुरी में कैसे मिली, इनके सैंपल्स आप स्लाइड में देख सकते। इंडियन टेक्सटाइल की जो पॉपुलैरिटी है प्राचीन समय में, वो एट्रीब्यूट ये कहती है कि इंडिया के पास में एक परफेक्टेड टेक्नोलॉजी है जो कलर्स को अच्छे से फिक्स कर पाए नेचर में और एक उसकी एक सर्टेन डिग्री होती है जो फैब्रिक पे अच्छे से सेटल हो जाए। विद द बाउंटी एंड वैरायटी ऑफ ट्रॉपिकल वेजिटेशन, इंडियन क्राफ्ट्समैन के पास में एक बहुत ही ट्रॉपिकल वेजिटेशन है जो नेचुरल कलर्स यहाँ पे अवेलेबल हो पाते हैं और जो कलर्स हैं वो वेजिटेबल, एनिमल्स और मिनरल रिसोर्सेस से मिलते हैं। देयर आर न्यूमरस रेफरेंसेस इन एंशियंट हिंदू टेक्स्ट, हिंदू माइथोलॉजीज में कुछ न्यूमरस पुराने प्राचीन हिंदू टेक्स्ट मिले जो कलर्स के पैटर्न्स और कलर्स क्लोथ्स पे आप देख सकते हैं।
और ये जो क्लोथ्स हैं वो वैदिक एज से मिलते हैं। ये 100 स्पीशीज प्लांट्स के ये कलर्स इनसे डिराइव होते हैं और फिर क्राफ्ट्समैन जो होते हैं वो इन कलर को यूज करते हैं। वराह मिहिरा जो ऑथर है वो वॉल्यूमिनस हिंदू टेक्स्ट बृहस्संहिता उसमें उन्होंने 6th century AD में ये डिस्क्राइब किया कि सिर्फ ये ऐसी डाई है जो मॉडिनेटिंग और फिक्सिंग कलर्स में काम आती है। कौन सी संहिता में लिखा है? वराह मिहिर संहिता में। द टर्म मॉडिनेटिंग इज डिराइव फ्रॉम द लेटिव मॉडर टॉबिट। ये जो प्रोसेस है वो एलम के मिनरल सॉल्ट से मिलता है और टिन और क्रोम जो है क्लोथ पे अप्लाई किया जाता है। जो फाइबर्स पे बाइट्स होते हैं और ये एक रेस्पेक्टिव डाई को शो करता है। बाय दिस मेथड अ फ्यूगेटिव डाई इज फिक्स्ड। इस मेथड से एक फ्यूगेटिव डाई कलर पे फिक्स की जाती है ताकि जो फैब्रिक है उसको फास्ट वॉशिंग से और एक लाइटर इफेक्ट इसमें मिल पाए। कलमकारी का जो डिपिक्शन है वो स्टोरीज से मिलता है जिसकी ग्रेटर मॉरल वैल्यूज है और माइथोलॉजिकल सीन्स है जो रामायण और महाभारत से प्राप्त होता है। द 15th सेंचुरी वॉज कंसिडर्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ क्राफ्ट। जो 15वीं सेंचुरी थी वो क्राफ्ट का गोल्डन पीरियड माना गया है जिसमें विजयनगर के एम्परर ने कलमकारी आर्ट को स्प्रेड किया। ये जो क्राफ्ट है वो सेटबैक से सफर हुआ 16वीं सदी में, मतलब वापस से सेटल डाउन हुई चीजें तो ये क्राफ्ट काफी सफर हुआ। कलमकारी की जो डिजाइन है वाज यूज्ड फॉर फर्निशिंग गुड्स, गुड्स को फर्निश करने के लिए काम में आती है और इसमें चिंट्स जो है वो काफी एक्सट्रीमली पॉपुलर है। बहुत सारी यूरोपियन डिजाइन लाइक द ट्यूडोर रोज वर एनकॉर्पोरेटेड इनटू द कलमकारी ट्रेडिशन ड्यूरिंग द पीरियड। बहुत सारी यूरोपियन डिजाइन जो है वो ट्यूडोर रोज पर इनकॉर्पोरेटेड किए जाते हैं और जो कलमकारी डिजाइन है वो इस पीरियड में देखी जा सकती है। फिर भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस मिला है डिजाइन से ईरान और पर्शिया से जो मुस्लिम रूलर्स को उस समय में फेवर की करते थे। अब आप देख सकते हैं सैंपल साइप्रस ट्री का कि किस तरह कलमकारी की डिजाइन डिपेक्ट की गई है। ट्यूडोर रोज को आप देख सकते हैं सैंपल में और आलमंड को आप देख सकते हैं। ये सारे कलमकारी के मोटिव्स हैं। इसके जो दूसरे सेंटर्स हैं वो है अरावा जो तमिलनाडु स्टेट में बहुत ही सिमिलर है और ये आंध्र प्रदेश कलमकारी से बिल्कुल मिलती जुलती है। उसके बाद में इसकी जो डिजाइनिंग है वो पल्लाकोल्लू, मछिलीपट्टनम, विजयवाड़ा, गुंतूर, नेल्लोर, श्रीकलहस्ती, पोनेरी, अरानी, सेटवाचरी और तंजोर में इसके प्रोविंसेस मिलते हैं। कलमकारी के जो स्टाइल्स है उसमें सबसे पहली स्टाइल की बात करें तो ये है कलहस्ती स्टाइल। देयर इज अ लिटिल इंफॉर्मेशन, इसकी एक बहुत ही छोटी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि इंडस्ट्री कैसे कलहस्ती में स्टार्ट हुई। लोकल लोगों का ये बिलीव है कि कलमकारी के जो प्रिंटर्स है वो मछलीपट्टनम के थे जो कलमकारी प्रिंटिंग में सेंचुरी से बहुत ही स्पेशलाइज थे। फिर बाद में ये जो नॉलेज है उन्होंने कलहस्ती के वर्कमैन के को ट्रांसफर किया और बाद में उन लोगों ने इसको डेवलप किया अपनी ओन डिजाइन्स में और फिर डिमांड्स आते आते ये टेम्पल क्लोथ पेंटिंग के रूप में डेवलप हो गई। कलहस्ती टेम्पल क्लोथ पेंटिंग जो है वो एंटायरली कलमकारी प्रोसेस होता है और जिसमें कलम के हेल्प से ही डिजाइन बनाई जाती है। जो रिलीजियस इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आर्टिस्ट टू फोकस ऑन माइथोलॉजिकल थीम्स और आर्टिस्ट जो है वो माइथोलॉजिकल थीम्स पे फोकस करते हैं। सेकेंड स्टाइल जो है वो मसूलीपट्टनम स्टाइल है। मसूलीपट्टनम जो है उसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। वो एक टाउन है जहाँ जिसको कलमकारी का बर्थ प्लेस माना जाता है
और यहाँ पे काफी सारे पोर्ट्स बने हुए हैं जो एंशियंट सी रूट्स भी है। सारे वर्ल्ड में इस सी रूट से चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है। जब आउटसाइड वर्ल्ड से मसूलीपट्टनम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हैंड प्रिंटेड क्लोथ मसूलीपट्टनम पॉपुलर हुआ क्राइस्ट और ग्रीक्स के बीच में, क्योंकि यहां से चीजें एक्सपोर्ट होने लगी तो उन लोगों को ये चीजें पसंद आने लगी। दिस ऑल्सो लेड टू फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन द आर्ट, और ये इनको इससे फॉरेन इन्फ्लुएंस भी मिले। फिर फैशन के इंक्रीज और डिमांड होने पे कलमकारी आर्टिस्ट ने नई टेक्निक्स को अडेप्ट किया जो ब्लॉक प्रिंटिंग थी और फॉलोड बाय फिलिंग द कलर्स विद कलम्स, और ये एक ऐसी कलर्स थे जो कलर की फिलिंग से फॉलो किए गए। With block, the artists were able to print the outline. Block से क्या हुआ? Artists outline बना देते थे जिससे एक drawing बन जाती थी और chemical dyes use होने लगे। ये काम को बहुत easy हो गया इससे और chemical colors जो है वो brighter look देने लगे और उसके बाद में customers को attention मिलने लगे। Molten bee wax जो थी इसमें use होने लगी, block certain portions कि इंडिगो डाइज इसमें यूज होती थी और ये जो स्टाइल है उसको अधकामू कहा जाता था, आधा काम। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कलर को फिल करने से पहले कलम से ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है और ये एक तरह का फ्लोरल मोटिव है। रॉ मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल्स कलमकारी जो आर्टिस्ट बनाए यूज करते हैं वो है गदा और कोरा क्लोथ, वेजिटेबल डाइज, एलम और फिटकरी, टेंडर मायरोबॉलम्स, हरड इन हिंदी, बफेलो का मिल्क, चारकोल फ्रॉम बर्न टामारिन ट्विक्स, कलम्स मेड ऑफ स्प्लिट बैम्बू, लार्ज कॉपर वेसल्स, फ्लोइंग वाटर, द वर्क बेंचेस विच एनेबल द वर्कर टू स्क्वेट बैट साइड टू ब्लॉक प्रिंटेड, अ थ्री लेग लो टेबल फॉर वैक्स प्रोसेसिंग एंड अदर कलरिंग डाइज, प्रिंटेड ब्लॉक्स, स्टैम्पिंग पैड्स टू होल्ड द डाई फॉर क्लोथ प्रिंटिंग एंड बी वैक्स, ये सारी चीजें इसके लिए इस्तेमाल होती है। कलर की प्रिपरेशन कैसे होती है? द कलमकारी डिजाइन वॉज ड्यू टू रिचनेस ऑफ कलर, बहुत ही विगर होती है और इनके जो कलर्स होते हैं वो डीप रेड, ब्लैक, इंडिगो, ग्रीन, येलो, डस्टी पिंक, ब्राउन और ऑफ वाइट होते हैं। जनरली जो कलर्स होते हैं उनमें जो स्कीम्स यूज की जाती है उसमें फीमेल के फिगर जो होते हैं वो यूजुअली येलो कलर में बनते हैं, देवता और गॉड जो होते हैं वो इंडिगो और ब्लू कलर में बनते हैं, राक्षस जो होते हैं डेमोन्स जो होते हैं वो रेड और ग्रीन कलर में बनाए जाते हैं और कुछ फिगर्स जो होते हैं वो लेफ्ट विदाउट कलरिंग एट ऑल। नेचुरल डाइज जो होती है कलमकारी के ब्लॉक्स की वो यूज होती है और ब्लॉक प्रिंटिंग जो होती है वो कलर के लिए फिलिंग फ्लोरल मोटिव में काम आती है। कलर कैसे प्रिपेयर होते हैं? जो ब्लैक डाई होती है वो गुड़ से बनाई जाती है और आयरन लीकर से जो जंग निकलता है, तो उसको बनाने के लिए जो गुड़ होता है उसको मड पॉट में 20 दिन के लिए गला के रखा जाता है ताकि वो एक ब्राउनिश फॉर्म में डेवलप हो। उसके बाद में जब ये सॉल्यूशन रेडी हो जाता है ब्राउनिश फॉर्म में तो ये सॉल्यूशन रेडी टू यूज होता है। इसको एक कूल प्लेस पे रखते हैं और द सॉल्यूशन could be stored for up to 1 year, और ये solution ऐसा होता है कि इसको एक साल तक आप use कर सकते हो। The जो black casting solution होता है वो outlining of figure के लिए काम आता है और motifs के लिए for filling in larger areas in black color। Yellow dye जो है वो yellowish color dye होती है और ये obtain की जाती है myrobalm flower को water में boil करने पर। ये किसमें बॉईल किया जाता है? एक तरह का मेटल का पॉट होता है, उस सॉल्यूशन को बार बार हिलाया जाता है देन ठंडा किया जाता है ताकि वो एक डार्कर शेड मिल पाए। येलो डाई, अ येलोइश कलर डाई इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग मायरोबॉलम, ठीक है, उसके बाद में इससे डार्कर येलो शेड डेवलप होता है और पेंटिंग से पहले येलो डाई सॉल्यूशन को क्लोथ के एलम पे ऐड किया जाता है, उसके बाद में मायरोबॉलम येलो पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है। क्लोथ को बाद में सुखाया जाता है और आपको एक
परफेक्ट शेड मिल जाता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, क्लोथ को वॉश किया जाता है अच्छे से, और कहाँ वॉश किया जाता है, फ्लोइंग रिवर वाटर में, देन इसको ड्राई किया जाता है सनलाइट में। ग्रीन डाई येलो सॉल्यूशन को सेवरल डेज के लिए रखा जाता है भिगो के, ताकि एक ग्रीनिश टिंट मिल पाए। उसके बाद में ग्रीन कलर को जो है वो माइरोबलम येलो सॉल्यूशन से ही मिलता है, और इसको सेम पोर्शन को क्लोथ को इंडिगो डाई में ट्रीट करते हैं। ब्राउन डाई समटाइम्स आर्टिस्ट ऐड अ सॉल्यूशन ऑफ एज मैंगो बार्क एंड बॉइलिंग वाटर ओवर द माइरोबलम। रेड डाई एलम और फिटकरी से मिलता है। रेड और मरून छवली कोड़ी रूट या सुरुली पत्ता बार्क से, ये एक तरह का मैडर प्लांट होता है, इससे आपको ये प्राप्त होता है। पिंक डाई जो है वो लाइम जूस से मिलता है, और इस अप्लाइड ऑन टू पोर्शन, वो ऐसे पोर्शन पे अप्लाई किया जाता है जहां पे ऑलरेडी डाई होती है, तो इससे पिंक कलर आपको मिल जाता है। ब्लू कलर आपको, द ब्लू कलर इज मेड बाय यूजिंग कलर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिगो प्लांट। ठीक है, ये कुछ कलमकारी आर्ट के कुछ सैंपल्स हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह सुंदर आकर्षक कलमकारी आर्ट देखे जा सकते। कलहस्ती द इंस्पिरेशन ऑफ वर्क, ये जो श्री कलहस्ती का जो नाम है माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से मिला है, और ये रामायण और महाभारत में गोल्डन येलो फीमेल कैरेक्टर इसमें दर्शाया जाता है, और जो ब्लू होता है वो गॉड्स एंड रेड्स में यूज किया जाता है। जो क्लोथ है वो कलमकारी आर्टिस्ट की आउटलाइन से प्राप्त होता है, जो टमारिंड ट्विग से आपको मिलता है, और जो बैकग्राउंड होता है वो रेड और पिंक होता है। कलमकारी की जो मॉडर्न डिजाइन है वो 1958 में स्टार्ट हुई, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड सेटअप हुआ, और जो ट्रेनिंग हुई उनको स्कूल में दी गई, और कलमकारी वर्कर्स ने इस स्किल को अपग्रेड किया। जो प्रोडक्शन था उसका एम ये था कि डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट में कलमकारी को एक्सपोर्ट किया जाए मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग, और ट्रेडिशनल मटेरियल लाइक जूट, लिनन, हैवी वेट जूट, सिल्क ब्लेंड्स, कॉटन, लाइक्रा फैब्रिक, ये सारी ट्रेडिशनल सिम्बॉलिक एंड फ्लोरल डिजाइन इसमें फैशन कॉन्शियस के अकॉर्डिंग यूज किया गया। कलमकारी जो है वो 3000 इयर्स ओल्ड हैंड पेंटेड एंड प्रिंटेड टाइप ऑफ टेक्सटाइल्स है, जो मसूलीपट्टनम में स्टार्ट हुआ आंध्र प्रदेश के कोस्टल में, और ये फिर कलहस्ती, तिरुपति और इन जगहों पे बाद में फेमस हुआ। इसके जो मेन जो स्टाइल है वो श्री कलहस्ती एंड मसूलीपट्टनम स्टाइल है। थैंक यू सो मच, होप आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो लेक्चर पसंद आएगा, और आगे और वीडियो लेक्चर्स के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। थैंक यू।